नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जो अपना बीएससी पार्ट सेकंड चल रहा था पीडी, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं। और आई होप आप पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चंस को भी निकाल रहे होंगे। अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर अपन ने लास्ट लेक्चर पर छोड़ा था। दोस्तों, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आप लाइक्स नहीं करते हो, लाइक करें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए बना रहे हैं, आप रजाई में बैठकर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम 20 किलोमीटर दूर आके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अपन ने कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल्स अपने चल रहे थे, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वहाँ से अपन बात करें। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ बीएससी पार्ट सेकंड पीडी। एग्जाम्पल 7 लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू है भाई, अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, आप कंटिन्यू क्लास लिया करो। एग्जाम्पल अपने को दे रखा है 4R माइनस 4S प्लस T इक्वल टू 16 log X प्लस 2Y। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन उतारिए और इसमें R, S और T का यूज हुआ है और सब जानते हैं कि भाई R क्या होता है, S क्या होता है और T क्या होता है। सॉल्यूशन पार्ट पे मैं चलूं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। देखो क्या लिखा जा सकता है, 4R मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस 2y। अपना डी बराबर तो होता है डेल अपॉन डेल एक्स और डी डैश बराबर होता है डेल अपॉन डेल वाई। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, मैं यहां से लिखता हूं, ये बन जाएगा 4d² माइनस 4d डी डैश और ये डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना है भाई, ये 16 log x प्लस 2y। सहायक समीकरण की बात करें, सहायक समीकरण जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, d की जगह m रखो, 4m² माइनस 4m और डी डैश की जगह 1 रखना है और डी की जगह m रख के 0 करना है। तो दोस्तों ये 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो कहने का मतलब m की दो वैल्यू आई, m बराबर 1/2 और 1/2। अगर अपन इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें, सी एफ बराबर क्या होता है, फाई वन फाई प्लस एम वन एक्स, एम वन का मान 1/2x प्लस रिपीट कर रहा है तो एक्स फाई टू वाई प्लस 1/2x, या तो ऐसे लिख दिया जाता है या फिर इसको फाई वन टू वाई प्लस एक्स, एलसीएम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसी फंक्शन में शामिल हो जाता है, प्लस एक्स फाई टू टू वाई प्लस एक्स। ये तो हो गया इसका सी एफ।
इसको उतारिए दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ये इसका CF है। अब आगे अपन बात करेंगे PI की। चलिए आगे। ओके, अब हम बात करते हैं PI की, पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(dd)। तो आप इसको 2d-d' का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2d-d' का होल स्क्वायर इस पूरे को। और ये कितना है भाई, 16 log x + 2y। 16 को तो आगे कर लिया। अब देखो दोस्तों, ये सम फंक्शन ऑफ ax + by है, a का मान 1 है, b का मान 2 है। तो d की जगह तो a पुट करोगे और d डैश की जगह b पुट करोगे। तो d की जगह 1 पुट करोगे तो ये 2, और d डैश की जगह b का मान 2 पुट करोगे तो ये भी 2। 2-2 0 बन गया। तो सेकंड वाले केस का क्वेश्चन है, और 0 बन गया तो आप इसकी पावर को देखो, कितने टाइम्स 0 बन रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स से 0 बन रहा है, तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r और b की पावर r। तो x की पावर r, बताओ r का मान कितना है, ये 2। x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, 2 फैक्टोरियल। b की पावर r, a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो 2 की पावर 2, क्योंकि r का मान 2 है। और इसको ऐसे कैसे, फॉर्मूला याद होगा अब तो आपको, हो जाना चाहिए भाई। ये x की पावर r, ये अगर r टाइम 0 रहता, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, b की पावर r। तो 2 × 4 × 8, तो 2x² ये कट गया, और log x + 2y, ये इसका PI आ गया। CF + PI मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। मानसूर मैच कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, तो आप कीजिए इसको। ये अपना एग्जांपल नंबर 7 है। चले आगे। सारी वीडियोस को आप देखा करो, और अपनी जो कॉपी है उसमें करते रहो सारे क्वेश्चंस को। एग्जांपल नंबर 9 जो अपना लास्ट एग्जांपल है, यहां पे हटा देता हूं भाई मैं। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या एग्जाम्पल अपने को दिया है, d-d' होल स्क्वायर z = x + φ x + y। फाई कोई फंक्शन दे रखा है, x + y। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन CF निकालेंगे। अच्छा, CF के लिए सहायक समीकरण गिवन PDE का सहायक समीकरणों का, d की जगह m पुट करेंगे तो m - 1 का होल स्क्वायर = 0। भाई d की जगह तो m पुट कर दो, और d डैश की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ से 2 रूट आई, m = 1 और 1। रिपीटेड रूट है, रियल है, इसलिए
जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ होगा वो बनेगा फाई वन वाई प्लस एक्स, रिपीट कर रहा है तो एक्स फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स, एम टू का मान भी वन है तो वाई प्लस एक्स। ये तो बन गया दोस्तों इसका सी एफ। अब अपन बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की पी आई की। पी आई बराबर देखो, पी आई बराबर वन अफोन एफ डी डी डैश, तो ये कितना है वन अफोन डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और जो फंक्शन अपने को दिया है एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ फाई एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इनको अलग अलग करता हूँ मैं एक बार, तो ये बनेगा डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर। ये जो x है दोस्तों, x को बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 1x प्लस जीरो डॉट वाई, इस x को ये ऐसे लिख दिया मैंने ताकि ax प्लस by टाइप का अपना फॉर्मेट बन जाए, और आगे इसको इससे गुणा किया तो 1 अपॉन d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और ये कितना है सम फंक्शन x प्लस वाई। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी वाई, ए का मान तो वन तो डी की जगह वन रखोगे, और बी का मान है जीरो तो डी डैश की जगह जीरो रखोगे, और देखोगे जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो आप सीधा रख दो वन अपॉन वन माइनस जीरो। भाई ए का मान वन है तो वो टू डी की जगह, और बी का मान जीरो है वो डी डैश की जगह स्क्वायर। दो घात का समघात है, दो बार इंटीग्रेशन, दो घात का समघात है तो दो बार इंटीग्रेशन। इस पूरे को क्या मान लिया जाता है, यू मान लिया जाता है, तो यू, और दो बार इंटीग्रेशन है तो डी यू डी यू, और यू किसको माना है, इसको यू माना है, इसको क्या माना है यू। अपन ने ये क्वेश्चन तो फर्स्ट वाले केस का है, ये सेकंड केस का, आपने डी की जगह, अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ए का मान भी वन है और बी का मान भी वन है, तो डी की जगह वन रखोगे और डी डैश की जगह वन, तो ये जीरो हो गया, और जीरो बना तो कितनी बार जीरो बना, टू टाइम्स, आर टाइम्स जीरो बनता है तो आर का मान टू है, तो टू टाइम्स जीरो बना, तो टू टाइम्स जीरो बना तो एक्स की पावर आर बटे फैक्टोरियल आर, बी की पावर आर, बी का मान वन है तो बी की पावर आर, और ये फंक्शन ऐसे की ऐसे, इसका मान तो वन हो गया, तो चलो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार इंटीग्रेशन किया, यू का बना यू स्क्वायर बाई टू और डी यू, प्लस ये बना एक्स स्क्वायर बाई टू फाइव एक्स प्लस वाई, इसका मान टू इसका मान वन। अब यू स्क्वायर बाई टू का फिर से इंटीग्रेशन कर देना तो यू क्यूब बाई थ्री होगा, तो वो बनेगा यू क्यूब बाई टू पहले से सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू सम फंक्शन एक्स प्लस वाई, और यू इसको माना है मतलब एक्स को माना है, ये तो जीरो है ही, तो ये बन गया एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू सम फंक्शन एक्स प्लस वाई। मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, हाँ अपना बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लास्ट में लिख देना कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो जेड बराबर होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई जो होगा जेड बराबर होगा सी एफ प्लस पी एफ, इसको उतारिए आप। और इसी के साथ अपने जो एग्जांपल्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपन अनसोल्व क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। 16 अनसोल्व क्वेश्चन है भाई, थर्ड सी में 16 अनसोल्व क्वेश्चन है, करते हैं कोशिश। आप उतारिए इसको, आई होप कर भी लिया होगा, मैं हटा देता हूं इसको।
अनसोल्व क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड सी उसका क्वेश्चन नंबर वन, एग्जाम्पल सारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डी प्लस डी डैश जेड बराबर साइन एक्स, डी प्लस डी डैश जेड इक्वल टू दिया है साइन एक्स, डी प्लस डी डैश जेड इक्वल टू साइन एक्स। सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो देखना, सबसे पहले लिखेंगे गिवन पीडीई का सहायक समीकरण। गिवन पीडीई का सहायक समीकरण, डी की जगह एम और डी डैश की जगह वन, तो एम प्लस वन बराबर जीरो, एम का जो मान आया वो आया माइनस वन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे आप, सी एफ बराबर लिखोगे फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स, एक्स का मान वन, तो ये बन गया इसका सी एफ। दोस्तों पी आई निकालोगे तो पी आई में क्या लिखोगे आप, वन अपोन डी प्लस डी डैश साइन एक्स। बताओ इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, वन अपोन डी प्लस डी डैश साइन एक्स को वन डॉट एक्स प्लस इस साइन एक्स को ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा, ताकि ये ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का बन जाए, और ऐसा करने से ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का बन गया तो d की जगह तो वन रखेंगे और d डैश की जगह कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे भाई। d की जगह वन रखेंगे, d डैश की जगह जीरो रखेंगे, तो वन प्लस जीरो, क्योंकि a का मान वन है और b का मान जीरो है। अच्छा एक घात का समघात है तो इसको लिखूंगा साइन यू, और एक बार इंटीग्रेशन है तो डी यू, भाई एक घात का है और यू किसको माना है ये भी लिख दूंगा हियर, यू बराबर माना है इस पूरे को वन डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट वाई को, मतलब इस पूरे का मान कितना है एक्स। साइन यू का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों माइनस का कोस यू, कितना होता है कोस यू, तो माइनस का कोस, और यू का मान किसके बराबर है एक्स के बराबर। तो आप जनरल सॉल्यूशन जो लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन जो लिखोगे वो लिखोगे जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, जेड बराबर फाई वन वाई माइनस एक्स प्लस, और पी आई का मान है माइनस का कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, ठीक है। दोस्तों आप कीजिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा।